निकाला ना तो मैं क्यों रो रहा हूं, सुन मुझे आखिरत याद आ गई। मैं कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं, कपड़ा बुनने का हुनर जानता हूं, कपड़ा बुनने का फन जानता हूं। तो जब कपड़ा बुनने में मुझे महारत है, जिस काम में मैं महारत रखता हूं, महारत वो काम मैंने किया तो तूने उसमें ऐब निकाल लिया। तो जिसमें मैं महारत रखता हूं, जब उसमें इतने ऐब निकल सकते हैं, तो जिस इबादत में मुझे कोई महारत ही नहीं, और अल्लाह जब उसको चेक करेगा तो अल्लाह उसमें कितने ऐब निकाले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की मोहब्बत में वो आखिरत को भूल जाएंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात फरमाई, सरकार अलैहि सलाम फरमाते हैं, माल की मोहब्बत में हिसाब को भूल जाएंगे। वयुहिब्बून अलमाला वयनसौन अलहिसाबा, दुन माल की मोहब्बत में हिसाब, कयामत के दिन हिसाब होगा। सरकार अलैहि सलाम की हदीस पाक है कि जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी और उससे पूछा जाएगा, बता तूने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था। यानी सिर्फ कमाने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, खर्चा कहां किया था ये भी बता। बताना फिर कि फाहिशाओं को पैसे दे देकर उनके साथ जिना करते थे। बताना फिर कि बेटियों की शादियों में लाखों रुपए की फजूल खर्ची करते थे। बताना फिर के पटाखे भी फोड़ते थे। बताना फिर के ढोल ताशे और डीजे में भी पैसा खर्च करते थे। बताना फिर कि अल्लाह हू अकबर, इंटरनेट पर जिना के मनाज़िर देखने के लिए इतने रुपये खर्च कर देते थे जिसमें किसी गरीब का घर चल सके। अपने मुंह में वो जबान कहां से लाएंगे, वो ताकत कहां से लाएंगे। याद रखना, गुना तो गुना है, अगर अल्लाह हमारी नेकी के बारे में भी हमसे हिसाब पूछ ले, हम अपनी नेकियों का हिसाब नहीं दे सकते। हम क्या समझते हैं अपने आप को, इतना आसान नहीं है मेरे अजीज। हमने काफिरों को देखकर उनके तर्ज पे चलना शुरू किया, मुशरिकों को देख के उनके तरीके पे चलना, क्योंकि उन्हें हिसाब किताब की कोई फिक्र नहीं है। हमें भी कोई फिक्र नहीं है हिसाब किताब की। अगर अल्लाह गुना नहीं, गुना बहुत बुरी दूर की चीज है, अगर अल्लाह नेकी के बारे में भी पूछ ले, हम नहीं दे सकते हिसाब। बल्कि अल्लाह अगर करम करे तो उससे यही दुआ है, अल्लाह बेहिसाब छोड़ दे। जहां अल्लाह ने कुछ पूछ लिया, नहीं दे पाएंगे जवाब। एक बुजुर्ग ने, जो बहुत माहिर थे कपड़ा बुनने में, उन्होंने कपड़ा बुना और जब बाजार में बेचने गए तो व्यापारी के हाथ में कपड़ा आया, तो उसने देखा और देख करके कहा, बाबा इसमें बहुत से ऐब है, ये इतना महंगा नहीं बिकेगा, ये तो सस्ता बिकेगा। बुजुर्ग रोने लगे तो उस व्यापारी ने कहा, बाबा क्यों रो रहे हैं, मैंने कोई गलत बात थोड़ी की, आप देख ली इसमें ऐब है। कहा, रोना इस पर नहीं है। कहने लगे, मैं रो रहा हूं आखिरत को याद करके। देखो कदम कदम पे आखिरत कैसे याद थी। हमें तो मस्जिद में भी आखिरत याद नहीं आती, हमें तो कब्रों पर भी आखिरत याद नहीं आती। सुन्नियों को आखिरत जितनी याद रहनी चाहिए थी, उसने उतनी किसी को नहीं रहना चाहिए था, इसलिए कि जितनी कसरत के साथ कब्रों की ज्यारत सुन्नी करता है, उतना कोई नहीं करता। लेकिन कब्रों पे जाएंगे तो गुंबद देखेंगे, चादरें देखेंगे, ये सब। कभी ये भी सोचा, इतने बड़े लोग, अल्लाह के दोस्त, जब ये मिट्टी के अंदर गए सोने के लिए, मैंने भी जाना है नहीं। अरे वो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने दो मर्तबा अल्लाह के रसूल से जन्नत खरीदी थी जन्नत, और हुजूर ने फरमाया था, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में जाएगा। किसने कहा था? सादिकुल वादुल अमीन ने कहा था, सादिको के जो कुछ भी करे उस्मान जन्नत ही में जाएगा। मगर जानते, जिसे हुजूर ने इतनी बड़ी गारंटी दी कि कुछ भी करे, ये कुछ भी करे में कितना बड़ा इख्तियार है। कहते हैं, कुछ भी करे वो जन्नत ही में जाएगा। क्या करना चाहिए था? माज़ अल्लाह। मगर सुनो क्या किया। जब उस्मान गनी कब्रों पर जाते ना, कब्रों पे खड़े रहते, इतना रोते कि रोते रोते बेहोश हो जाते। लोग कहते, उस्मान तुम आखिरत का जिक्र सुन के, कयामत का जिक्र सुन के इतना नहीं रोते जितना कब्रों पे आके रोते हो। तो उस्मान गनी कहते थे,
कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहां कामयाब हुए तो पूरी आखिरत में कामयाब है, यहां फंस गए तो फिर आखिरत का क्या। हमें कभी याद नहीं आती कब्र, कभी हिसाब याद नहीं आता, यौम हिसाब कभी याद नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं कि माल की मोहब्बत में यौम हिसाब को भूल जाएंगे। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो कपड़ा में तूने ऐब